दी तू है नी टोर पंजाबण दी गुची खल दी मड़ोड़ा नहीं चल दी हूं। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है। कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो फाइनली चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रीसेट डाउनलोड कर रहे हो, XML सॉन्ग किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको जो भी रहेगा वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा और नीचे में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करना। इस पर जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, इस तरह से आ जाने के बाद आपको क्या करना, नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू स्टार्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर कुछ सेकंड चलेगा, फिर आपको कुछ देर वेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा किस तरह से क्या करना है। काफ़ी आसान तरीके से आपका ये जो है प्रोसेस है आप इजीली कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से क्या करना है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा सेकंड जो है ख़त्म होने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सेकंड खत्म हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक कंटिन्यू बटन फॉर डेस्टिनेशन लिंक। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके अलावा क्या करना है, एकदम नीचे आ जाना, एकदम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इस पर क्लिक करना, फिर आपके सामने एक पेज खुलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है, कुछ देर वेट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्लीज़ वेट, तो यहाँ पर कुछ देर वेट करना है आपको। तो देख सकते हो इस तरह से आपको यहाँ पर वेट कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा फिर से ऑप्शन आ गया स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक कंटिन्यू बटन फॉर डेस्टिनेशन लिंक। इस तरह से आपको आना है, फिर आपको पूरा नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर खुल के आ जाएगा और यहाँ पर चलेगा पहले, फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट लिंक का, इस पर क्लिक करना। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा इजीली, यहाँ से आप करके इंपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस आप XML भी कर सकते हो और सॉन्ग भी डाउनलोड इजीली कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो हे गाइस, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और 9060 वाला रीच सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और यहाँ से क्या करना है कि आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी फोटो आप यूज़ करना चाहते हो इजिली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो सिंपली हम अपना कोई भी फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपली फोटो पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया करना। ठीक है, फिर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना, करंट फ्रेम PNG पे एक्सपोर्ट करना, फिर कुछ देर वेट करना, इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना। ठीक है, फिर बैक आना, इमेज को डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना, फिर आपको कोई दूसरे इमेज को ऐड कर लेना है, जो भी आप रखना चाहते हो अपने हिसाब से, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम PNG पे एक्सपोर्ट कर लेना, फिर आपको यहाँ पर इमेज को सेव करना है, फिर बैक आना, इमेज को डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, फिर आपको कोई भी इमेज को सिंपली ऐड कर लेना, जो भी आप रखना चाहते हो रख लेना, उसका थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम PNG पे एक्सपोर्ट करना। तो इस तरह से गाइस आपको क्या करना है, टोटल 3 इमेजेस को क्रॉप कर लेना है। ठीक है, 3 इमेजेस को करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये वाले प्रोजेक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको ओपन कर लेना। ठीक है, इसको आप जैसे ओपन करोगे देख सकते कुछ इस तरह से लेयर वगैरह और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिरिक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आगे आ जाना है। तो गाइस यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि आप जरा से भी स्टेप मिस करोगे तो हो सकता है आपका कोई पार्ट मिस हो जाए और आपका एडिटिंग खराब हो जाए, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा डबल बीट मार्क है ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पर आगे 2 लेयर है आपको, तो गाइस आगे में 2 लेयर है, लेयर पे क्लिक करना, करंट फिल पे जाना, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके ऊपर से क्लिक करके लाइट मोशन सिलेक्ट कर लेना है और जो भी इमेज को रखना चाहते हो सिंपली उसको सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना, इमेज ऐड हो जाएगा। फिर नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना, करंट फिल पे जाना, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके वही सेम इमेज को ऐड कर देना है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा इमेज ऐड हो गया, कुछ इस तरह से इफेक्ट भी देखने को मिल रहा होगा आपको हल्का हल्का। फिर आपको आगे आना है, इस लेयर पे क्लिक करना, करंट फिल पे जाना, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करना और वही इमेज को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरह से गाइस आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ तक हमारा डबल बीट वर्क है, जहाँ तक
वहां तक यहाँ ये लेयर है, तो इसी हिसाब से जो यहाँ पर सबको सेम इमेज को ऐड कर देना, ठीक है, हर एक लेयर में। तो जहां तक डबल बीट मार्क है उससे पहले जितना भी लेयर है सब इसी तरह से सेम इमेज को ऐड कर देना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। काफ़ी आसान तरीके से एडिटिंग बता रहा हूँ, आप इजीली कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। और गाइस अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है प्रोजेक्ट, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको इजीली समझा दूंगा किस तरह से डाउन करना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर हो गया, फिर आगे आना, इस पर क्लिक करना, करंट फील पे जाना, फिर यहाँ से इस पर ऐड कर देना, फिर आपको आगे आना, इस पर क्लिक करना, करंट फील पे जाना, फिर सिलेक्ट मीडिया पे जाके वही सेम इमेज को ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको आगे आना, करंट फील पे जाना है ऐसे, फिर वही सेम इमेज को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी प्रोसेस है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इमेज को सब पहले ऐड कर लेता हूँ, सिलेक्ट मीडिया पे जाएंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे। सो फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ तक हमारा इमेज ऐड हो गया, ठीक है। डबल बीट मार्क के बाद फिर आपको यहाँ पर फिर इस तरह से डबल लेयर मिलेगा, ठीक है। तो सेम आपको देख सकते हो यहाँ पर ऐड कर लेना, इसी तरह से जो भी आप ऐड करना चाहते हो सिंपली यहाँ पर ऐड कर देना, इमेज को सिंपली दोनों जगह पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐड कर दिया है, उसके फिर आपको जो है आगे भी यहाँ तक ऐड कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। फिर इस पर क्लिक करना, कलर फिल पे आना और फिर उसी सेम इमेज को ऐड कर देना है। तो इस तरह से गाइस आपको अपने इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करना, कलर फिल पे जाएंगे और इस इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो है तीन ही फोटो यूज़ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है थ्री फोटो वीडियो एडिटिंग किया है, ठीक है, यहाँ पर तो ज़्यादा फोटो का यूज़ नहीं होगा। फिर डबल बीट मार्क मिलेगा, फिर यहाँ से फोटो चेंज करना, सिंपली कोई दूसरे फोटो को ऐड कर लेना, आप जो भी रखना चाहते हो सिंपली आप रख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर कोई दूसरे फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ऐड किया है। फिर आपको नीचे वाले लेयर पर भी क्या करना है, सेम ये प्रोसेस रहेगा, यही इमेज को ऐड कर देंगे, जो भी आप सिलेक्ट करोगे अपने हिसाब से आप ऐड कर देना, ठीक है। फिर इस तरह से लास्ट में दो लेयर बच जाता है, तो इसमें भी यही इमेज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो, वीडियो स्किप करके चले जाओगे तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखा करूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ से फाइनली हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आपका फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर वाला आइकन पर जाना, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है, आपका वीडियो पर एक्सपोर्ट हो जाएगा इजीली।